खूबसूरत खाकवानी फार्म पे हमारी अथर भाई, अनस भाई, ओएस भाई की हॉस्पिटैलिटी। ये ज़बरदस्त सेटअप होता है यहाँ पे, चारों तरफ इस तरफ कैंप लगे हुए होते हैं, ये टेंट्स लगे हुए हैं सारे रेसर्स के, ये कमरे हैं कुछ बने हुए दो तीन, ये इनका फार्म है जिसमें पीछे फार्मिंग मेरे ख्याल है कीनू के दरख्त हैं काफ़ी सारे, पीछे की साइड पे हिरन रखे हुए हैं इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ गेस्ट का हिसाब किताब है। शाम में हम लोग सारे यहाँ बैठते हैं, रिसर्च बैठते हैं, कैंप फायर होता है, खूबसूरत पाकिस्तान, खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरत बातें रेस के मुतालिक मोस्टली। ये हमारा छोटा सा इधर एक साइड पे डाइनिंग हॉल है और यहाँ से फिर यहाँ पे सारे रेसर जमा होते हैं ज़्यादातर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे टीम एशिया का कैंप लगता है, टीम एशिया अपना कैंप लगाती हैं। उस साइड पे राइट साइड पे पीर साहब का कैंप लगता है, उससे थोड़ा आगे वुल्फ पैक का। थल की खूबसूरती सबसे ज़्यादा ये है कि सारे रेसर्स एक ही जगह जमा होते हैं एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट ऑल टुगेदर। एंड वी हैव द चैम्पियन रेसर हियर, इधर से हेलो तो करती हुई जा दीना पटेल। और दिस इज़ हाउ वी गो। और आज रैकी डे है, हम जा रहे हैं पहली रैकी पे, उसके बाद कल क्वालिफाइंग है, परसों फिर रैकी करेंगे आफ्टर द रेस, कल भी रैकी करेंगे कोशिश करके, संडे को रेस डे है। आए जी थोड़े से फन करते हैं। लेजेंड रॉनी पटेल सर, ये हमारा एक छोटा सा चैनल हमने बनाया है सर, जबरदस्त, पाकिस्तान की अक्कासी करने के लिए, जो आप इतनी खूबसूरत रैलीज ऑर्गेनाइज कराते हैं मुख्तलिफ वेन्यूज पे डेजर्ट में, लोगों को ज़्यादा लोगों के इल्म में भी नहीं ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। फिरोज भाई हमारे लेजेंड लेजेंडरी रेसर, कोई मेरा ख्याल है 200 साल से रेस कर रहे हैं और ये हम बेचारों की इसको ट्रेस करके इसको बना के ऐसी जगह दुनिया में दिखाया जा सके। वैसे सब लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा हम भी अपने अपने जितना ज़्यादा ज़रियाए अबलाग का इस्तेमाल किया जाए बिल्कुल उतना बेहतर है। जितना एक खोल के लगवा लो, जितना काम पाकिस्तान के लिए कर सको उतना कम है जी, जितना कुछ हो सके बेटा एक रख दो। अब तैयारी है रैकी की, हम चल रहे हैं सारे, फिर लेट्स जस्ट गो, इसी में चलते हैं, इस पे करेंगे और किस पे करेंगे वो कहाँ है? नहीं रैकी तो वहीं, हम वहाँ चलते हैं ना, पहले क्वालिफाइंग तक पहुँचे फिर वहाँ पे गाड़ी बदलेंगे। चलें भाई शाजिब मियाँ, लेट्स गेट रोलिंग। सवारी नहीं कर रहे, सवारी नहीं कर रहे कहीं, नहीं कोई अगला प्लान नहीं बना रहे कहीं? मैं जा रहा हूँ ना 15 को, 15 को, 10 मुल्कों के लिए, 10 मुल्कों के लिए। कितना है? मैं पता नहीं किस तरह रैली कर रहा हूँ, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, 7-8 दिन बाद तो निकलना है। तो 2 महीने का वो ट्रिप है, 3 माह का, देखो जितने दिन लग गए बताइएगा मुझे, बेस्ट ऑफ लक। चल भाई नूर खान जी सर आ जाए। लड़के फिट है? लड़का फिट है? फिट है, तुमने कैटेगरी हमारी कह रहे हो लादा करता। फिर अलग आपकी क्या हो गई? अनस कह रहा है भाई तू 60 के हो तो वहाँ नहीं भगा सकते तो हमारी कैटेगरी। ओ अनस आप मेरा ख्याल है 50 में बुड्ढे हो गए अनस भाई, अब हमारा काम नहीं। आइए सर के कहाँ है हमारे लड़के गए हुए, निकल गए ट्रैक पे, सभी निकल गए, हम भी जल्दी से बस निकले, हम भी भागे बस। आप फिट हैं? बिल्कुल। गाड़ी फिट है? बिल्कुल। जबरदस्त इसमें आप दौड़ा रहे हैं। साउथ भाई की गाड़ी मैंने देखी सर, अरे किसमें? अरे वाह वाह,
फुल गाला है, तो आप वेटरन चलाएंगे या वो चलाएंगे? नहीं, मैं अभी तो महमूद के साथ बैठूंगा। नहीं तो महमूद भाई वेटरन चला रहे हैं, ये चला वेटरन में नहीं जाते यार, अभी हम क्यों चले जाए? नहीं, जब अल्लाह ताला सब कुछ सलामत रखे तो 80 साल का होगा, 80 की उम्र चले जाएंगे यार। तुम क्यों निकाल रहे हो हमें सारा पूरा? देखिए, आपको कौन निकाल सकता है, आप तो प्रेसिडेंट हैं। चले, क्या सीन है? हम लोग वाह भाई, डिस्कवर बॉय, क्या हाल चाल है आपका? कैसा है? जबरदस्त। आप सुनाए, कब पहुंचे? मैं पहुंचा कल रात को। तो ये तुम्हारी गाड़ी थी, इसका मतलब हमने क्रॉस किया तुमको? बिल्कुल हमारी गाड़ी थी, मैं बीच में ही हूंगा उस टाइम पे। हम नहीं, वी वेरी क्लोज टू व्हेन वी गॉट ऑफ द मोटरवे, हम इस पे चढ़े थे, कुबरा वाला है क्या, कबीर वाला है, कुछ ऐसे ही है। वहाँ से उतर के हम जब उस पे नॉर्मल सड़क पे आए थे, I saw this car. अभी शरीफ से बात हुई तो उसने भी बताया गया था, अभी 100 ऑल द वे इधर कल पहुंचे। आप सुना कैसे रहा सफर? बढ़िया, रेडी रखी के लिए? बस अब एक मिनट, थोड़ा इसको रन भी देना है, इसको रन भी मारना है। ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू वेरी मच। शक्ल चेंज कर दी मैंने, ना लाल हटा। रिसर्च के लिए सबसे खूबसूरत, सबसे मज़ेदार ट्रैक है, और जितने इसमें हैंड, सारा काम इसमें हैंडलिंग का है, हाई स्पीड, इसमें रन बहुत ही कम है, बहुत ही मुख्तसर है, और ट्विस्ट टर्न्स जितना बंदा अपनी गाड़ी पे महारत के साथ बैठ सकता है, मेरा ख्याल है वो इससे खूबसूरत ट्रैक कोई नहीं है। मैं दिस टुडे इज़ द 8th race, और हम लोग अभी रखी के लिए निकल रहे हैं। ट्रैक इसका बेहतरीन, खूबसूरत तरीन है, और मैं वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त, जा रहा हूँ टू चेक दिस ट्रैक आउट, और इंशाल्लाह हर साल की तरह मज़ा करेंगे। थोड़ा सा स्मॉग ज़्यादा हुआ हुआ है इस वक्त, वो आहिस्ता, मेरा ख्याल है 2-3 दिन में शायद बारिश होनी है, उसके बाद थोड़ा बैठ जाएगा, लेकिन स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम है, वो भी एक टेस्ट है सबका। शुक्रिया। मैं तो ख़राब तो नहीं की मैंने, वैसे रेस में ख़राब थोड़ी होती है। मैं तो कौन कहता है कि रेस पे ख़राब होती है गाड़ी? हम ख़राब होते हैं, गाड़ियाँ नहीं ख़राब होती। रैकी पे गया था, करिए पूरे 200 किलोमीटर करके आ गया। हाँ तो और क्या, ये गया, ये आया, ये गया, ये वेटरन रेसर आप नहीं। क्यों नहीं है ये भगोड़ा, इसको मेरे से खौफ है। छोटा हूँ यार अभी मैं, ये तो अभी 54 5 साल। लड़का खराब हो गया क्या? खराब हो बस हमने एक जिमनी ने ओवरटेक किया था, हमने आके देखा तो वो यहाँ पे उस पर कुछ एक्सीडेंट टाइप की सूरत हाल थी, तो हमने रुक के पूछना मुनासिब समझा, क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स पे एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ये छोटी सी कम्युनिटी है, एंड वी लुक आउट फॉर ईच अदर। तो हम रुके, हमने पूछा हाल अहवाल लिया उनका, तो उनको कुछ मेरे ख्याल से हल्की सी इंजरीज वगैरह भी हुई हैं, तो दे हैव बीन टेकन टू गेट चेक्ड by the health department, and inshallah zyada chote nahi aayenge, so we look forward to see him in the race tomorrow.
वेलकम जी। एज एवरी ईयर थल का जो ट्रैक है इज ऑलवेज चैलेंजिंग, इज ट्रूली अ ड्राइवर्स ट्रैक, उस लिहाज से गाड़ी को भी टेस्ट करता है और ड्राइवर के स्किल्स को भी। ग्रेट ट्रैक इज ऑलवेज, माशाल्लाह से वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स एज यूजुअल। एंड हम तो इस सेट की फीमेल्स को सपोर्ट किया है टीम एसक्यू ने, इज एडमिरेबल, वेरी एडमिरेबल, माशाल्लाह से। देन आई गॉट द होल ड्रिल, मैं कल रात को ट्रेमेंडस रिसोर्सेज, और इट्स नॉट इजी टू सपोर्ट अ फीमेल इन मोटर स्पोर्ट्स, लेकिन जो सपोर्ट दी है आई रियली एडमायर। इफ यू नीड इंडिविजुअल लाइसेंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। कंडीशंस थोड़ी चेंज हुई हैं, तो हम जो है उसको उसका या तो फ़ायदा उठाने जा रहे हैं या फिर उसको गेज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह विश इज बेस्ट ऑफ लक, विल सी यू आफ्टर। थैंक यू। क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है हमेशा की तरह ज़बरदस्त नाम है, लेकिन कल रात को जो थोड़ी सी बारिश हुई है उससे सारा ट्रैक बिल्कुल क्लीन हो और विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग में जा रहे हैं। शोर उसमें भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, ट्रैक साफ देखने को मिलेगा। कल तक की जो रैकिंग थी उसमें विजिबिलिटी बहुत शॉर्ट थी, कल की बारिश ने बहुत अच्छा समर मार इंजॉय करें सब।
चिराग पोजीशन क्या है ये मेरे बारे में था बता रहे थे कहीं और चला गया फिर आया है पार्टी का सेकंड था लेकिन एक और ने फिनिश किया और बड़ी सारी थी ना तो गया तो चलाने वाले हो पिछले ऐसा गरीब है।
और कोई सुना था मैंने कोई नादिर मक्सिको की लड़का हमें क्या पता था कि बोल रहे
और फ्यूल अप करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, सिगरेट पियेंगे और फिर चल पड़ेंगे। नहीं, सिगरेट नहीं पियेंगे, सिगरेट पीना बुरी बात है, सिगरेट किसी के लिए किसी को नहीं पीनी चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट। ये आसिफ हो गया, तेरे पास पैसे पड़े हैं, करके साइड कर देना, फिर मुझसे पैसे लेना। आए जी, एग्जीक्यूटिव है टॉयलेट्स, गो डू ब्रिलियंट, ब्रांड नहीं हो जाएंगे सब। नादिर भाई एंड द फैन क्लब ऑलवेज देयर। He's also from Morocco. Sain Oman. Fan movie hum wo bana rahe hain yaar, this is for the promotion of the promotion of Pakistan of course. Aap ganne ka juice pee rahe hain ya wo pee rahe hain? Banana ka wo beena utha ke le. Acha pata nahi idhar hi kaise karwaya. Cigarette to bahar hi pee lete hain na, andar allowed nahi hai mera khayal. This is executive भी है, bathroom भी executive है, ख्याल से। If you're non-executive, you can't enter. So how was the Thal experience this time? Thal is always a good experience, but this time we had a little bit of issues. You were there too. The issues need to be resolved. We are going to take up, inshallah, with the government. अभी इसको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए ना कि यार दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड ऑनेस्टली आई थिंक वी नीड टू लिमिट रैंकीज बिकॉज़ व्हेन यू द डे यू रेस द ट्रैक इज नॉट हाउ इट शुड बी सो यू हैव फन रेसिंग सो इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम वी आर गोना इंप्लीमेंट दिस फ्रॉम जल जल से हम ये पिकअप शुरू कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वन रैकी फार्मूला दिस दिस दैट वुड बी फैंटास्टिक व्हेन यू रेस यू हैव अ You have a track to drive. So you have fun. आज कल लीड ना सभी के पास है, लिटरली हर किसी के मोबाइल में है, मैं जिससे आप किसी भी कैटेगरी से पूछो, एंड इट टेक्स लिटरली फ्यू मिनट्स टू डाउनलोड इट, बट इट वॉज दिस टाइम जल और थल वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह जल इज कमिंग बैक, सारे एक्साइटेड, जल के मजे आने वाले हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त, परफेक्ट, सी यू सर। अंदर रेस्ट करें थोड़ी देर, तो अब आप कितनी देर ब्रेक लेंगे, आधा घंटा, 15-20, 5-10 मिनट? जस्ट शिफ्टिंग स्टफ। अच्छा, ऑसम, गो टू द बाथरूम, आई विल जस्ट हैव टी और आई विल जस्ट हैव यूज द लू एंड देन आई एम रेडी टू रश। सो यू पुट फ्यू, मेरे बट लाइक दिस इज काइंड ऑफ स्मॉल, नहीं किस चीज का ही है ये, गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए, गाड़ी क्या बच्चों है ना अपना 30 लीटर निकाल लिया था गाड़ी से, कैसे क्योंकि देवर रेसिंग ही हैड अ 30 लीटर कैन, ऐसे बता ओ या 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 वो सो व्हाई डू यू नीड दैट व्हेन यू गेट देयर गो टू अ गैस स्टेशन पुट फ्यूल एंड कम बैक होम, व्हाई आर यू कैरिंग 30 लीटर ऑफ वेट विद यू, हां वो निकाल के रखा, वो भरा हुआ था अभी गाड़ी में डाल रहा है ना, यू शुड यूज इट। हां वो पाइप इज बैड और समथिंग, नो इट ब्रोक, या घुमाओ उस तरफ भी घुमाओ, नहीं दिखाओ इसको, दिखाओ कैसे किया तुमने, काटा कैसे, नहीं नहीं एक डेमो दे दे, डेमो दे दे, ये बना रहा है, एक डेमो तो दे दे, एक एक दीना एक डेमो दे दे, एक डेमो दे, चल लग नहीं रहा। Hello Team SQ, what's up? How are you all? We are in Sakhar right now. Had to refuel. That was a bit of a pain. And now we are going to Karachi. Yay!
फुल है तो बैठने में हमारा 100% रिजल्ट रहा है। हाँ ये तो है। हाँ तो तीन ड्राइवर्स थे जिन्होंने फिनिश किया है, बाकी तो है ट्रैक इस मरतबा जो चैलेंजिंग कहते थे वो अब थोड़ा लोगों की नाराज़गी बढ़ गई है क्योंकि फसलों के से ट्रैक बने हैं, आई थिंक दे आर नॉट हैप्पी दिस टाइम एंड वी आर ऑल्सो थिंकिंग के वी माइट ड्रॉप द थल और मे बी चेंज इट टू समवेयर एल्स, ये भी आगे चले जाएं और आगे चले जाएं लैया, थोड़ा कूल एरिया है लोग भी। अच्छा मैंने जो देखा है ना जो मेट्रिक से पहले जो है एरिया जो स्टार्टिंग से वहाँ पर जो लोग हैं उनकी थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग टू अदर्स इज़ वेरी डिफरेंट और मिड ब्रेक के बाद जो है ना लोगों की थिंकिंग डिफरेंट है। मैं तो मिड ब्रेक के बाद मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो मैं रुका जो कासिम शादी की गाड़ी के साथ हुआ या हमारे साथ भी हुआ कि दरख्त पे जो है वो परफेक्टा शाहजेब का विंड स्क्रीन टूटे इरफान भाई का कटे हुए बहुत इरफान का हुआ चार पाँच छः ड्राइवर्स को बैडली डैमेज तो थल वैसे तो अच्छी रही इंतज़ामिया तो ऑब्वियसली पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उनके हाथ में कुछ है बहरहाल मोटर स्पोर्ट्स है प्रमोट हो रहा है PDCB के कुछ रोल बेहतर है लेकिन आई थिंक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या उनके काबू में नहीं थी और 200 किलोमीटर पे कोई मॉनिटरिंग नहीं रख नहीं बट ये कि नहीं होना अभी हम जल की तैयारी कर रहे हैं थर्ड को कराची में लॉन्च है जल का और 13 to 17 तो विल सी यू इन जल इंशाल्लाह ठीक है दादा बताओ ये बोलता था खड़े की गाड़ी पी अमान अल्लाह चैंपियन शर्मा रहा है हार क्या हार के आई हो तुम नहीं ना जब जीत के आई हो चैंपियन साथ ही हम लोग पहुंच गए हैदराबाद नदर 1.5 to 2 hours में घर और ये रिवायत है ना कि ऑलवेज इसी पंप पे जाते रहे सारे के सारे रुकते हैं पता नहीं एक पुरानी बनी हुई है मेरा ख्याल है कोई 10वां 12वां शायद 15वां ट्रिप हुआ हर दफ़ा यहाँ रुकते हैं कि इस दुकान में बॉम्बे बेकरी एक फ्रेश केक मिल जाते हैं चाय पिला देता है बहुत अच्छी और चाय पी ली है दुशांता भी डाल लिया पीछे होटल है बहुत खूबसूरत एवरी ईयर हर साल मेरा ख्याल है 2-3 ट्रिप्स होते हैं ये सब चीज़ों के रैलीज के बाइकिंग के जाते हैं हम लोग यहीं रुकते हैं घर आते हैं चाय भी पीते हैं बाथरूम यूज़ करते हैं बॉम्बे बेकरी का केक लेते हैं आप सामने पीछे दुकान से ये हर दफा हर साल ही होता तो इसके बाद हमारा क्लोजर गोइंग होम पता नहीं फीलिंग सेक राइट नाउ लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे तो बहुत मज़ा आया हर लिहाज से हाँ।
मतलब, मगर ये सेफ नहीं, सेफ गाजियाबाद से आप इधर कैन यू रोटेट योर चारों शीशे वी गेट ओवर इट मैन नहीं कैन यू गेट नो ये थोड़े एज के ज़्यादा है, अच्छे से साफ सुथरा, लाइटें वाइटें भी।